अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग-अलग प्रदेश के जो नेता हैं, मीडिया में जिस तरह खबरें आ रही थी कि 5 विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, ये बड़ा नेता है, ये बीजेपी के संपर्क में है। और अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस समय क्या हाल है इंडिया गठबंधन में, आप देख ही रहे हैं, एक-एक करके सभी लोग बाहर जा चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट नाम है वो फारूक अब्दुल्ला का है। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, और कैसे जब यात्रा जो है राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी में एंटर होगी तो यहाँ कुछ भी कुछ ऐसा दिखाई देगा, सब कुछ गड़बड़ है। वैसे मीडिया में जो अभी आज की जो खबर है, किस तरह मीडिया में ये बात चल रही है कि ये जो गठबंधन है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, मतलब ये जो इंडिया गठबंधन में पार्टी है दोनों, इन दोनों के बीच में भी सामंजस्य सही से बैठ नहीं रहा है। हो सकता है दोनों लोग अलग हो जाएं, और उसके पीछे मतलब इन खबरों के पीछे भी एक कारण तो यही है कि अभी 1 हफ्ते या 10 दिन पहले जो एक चिट्ठी जारी हुई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी जब अमेठी और रायबरेली आएंगे तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उस पूरी न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन आज जब राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, अमेठी में थे वो आज हुए, तो अखिलेश यादव नदारद दिखे। और ये जो पूरी जो आज जो कुछ ये हुआ है, और इसी के बिहाफ पर मीडिया में खबरें चल रही हैं कि दोनों लोगों का गठबंधन नहीं हो पाएगा। जैसे ममता बनर्जी ने बोला कि अकेले चुनाव लड़ेंगी पश्चिम बंगाल में, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो पिछले साल 2019 या 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी इनके साथ में थे, वे अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। और इन सबके बीच में क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में ये जो आज जो घटना हुई है कि चिट्ठी जारी करने के बावजूद अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्यों नहीं गए हैं, इस पूरे वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है दोनों लोगों के बीच में, क्या वाकई गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी बाहर निकल गई है, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो हम शुरू करेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कैसे अलग अलग प्रदेशों में जब वो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है तो वहाँ की स्टेट जो राज्य सरकारों में क्या कुछ हुआ है। हमने देखा कि किस तरह से पिछले महीने जब 28 तारीख के आसपास, 27-28 के आसपास जब पहली बार राहुल गांधी बिहार जाते हैं, पूर्णिया में उनकी सभा होती है, वहां की सरकार बदल जाती है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं, फिर आप देखिए झारखंड में जैसे इंटर होती है तो हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं, और अभी जो समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है और उस बीच में ही सारी चीजें होती हैं, कैसे नीतीश कुमार का ये पूरा मसला जब उठ आ रहा था, ममता बनर्जी ने बोला कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल भी रागा अलापने लगे पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं सब के बीच में अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो ये लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दे रहे हैं। इसके बाद वे आरएलडी को लेकर भी ट्वीट करते हैं कि हमारा इनके साथ गठबंधन है, हम आरएलडी को 7 सीटें देंगे। कैसे अखिलेश यादव चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके सीटों का बंटवारा हो जाए, और शायद उस वक्त जब ये चिट्ठी जारी हुई थी अखिलेश यादव को लग रहा था कि तब तक जो है सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कितने पे लड़ेगी, कौन सी सीट पे लड़ेगी, हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम की जानकारी भी दोनों पार्टियों को हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा, और लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। यही कारण है कि अखिलेश यादव जब आज उनको अमेठी जाना था तो इसके बाद उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता हैं राजेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से एक बयान जारी होता है कि सीटों के तालमेल को लेकर हमारी बातचीत चल रही है, और हम यात्रा में अखिलेश यादव तभी शामिल होंगे जब सीटें डिसाइड हो जाएंगी। आज इसको लेकर खबर आई है कि जो मीडिया में चल रहा था कि 17 सीटें
सीटों पर अखिलेश यादव राजी हुए हैं कि ये 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कौन सी सीटें हैं ये मीडिया में नहीं आया है। तो इन सब को लेकर एक खबर ये भी आ रही थी कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी है मुरादाबाद सीट मांग रही है, और मुरादाबाद पिछली बार समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे एसटी हसन साहब वो जीते थे। अब जाहिर सी बात है, जो जो जीती हुई सीट है तो सपा कैसे कांग्रेस को दे देगी। फिर दूसरा लफड़ा जो मसला फंसा हुआ है वो बलिया को लेकर भी है। बलिया कांग्रेस इस बार लड़ना चाह रही है, उसके पीछे जो वाजिब कारण वो दिखा रही है कि अजय राय वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अजय राय भूमिहार समाज से आते हैं। बलिया लोकसभा की 2-3 विधानसभाओं में भूमिहार समाज के लोगों की ठीक ठाक संख्या है, तो ये जो उनके पास कारण है, और शायद यही पेच जो है फंसा हुआ है। सपा पिछले 2 बार से भले जीत नहीं रही हो वो सीट बलिया सीट, लेकिन वो उसका गढ़ रहा है। वहां पर विधानसभा में भी ठीक ठाक इन्होंने परफॉर्मेंस किया है पिछले 2017 के मुकाबले। इस बार भले ही राम गोविंद चौधरी चुनाव हार गए कुछ वोटों से, लेकिन वो ठीक ठाक उनका गढ़ है। तो जाहिर सी बात है, वो कांग्रेस को सीट क्यों देगी, वो बलिया मुरादाबाद जो जीती हुई सीट है। तो यहीं पर पूरा पेच फंसा हुआ है। इस बीच में एक बात और हुई है। बीच में हम लोग सुन रहे थे कि कांग्रेस लगातार जो है बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत कर रही है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट भी कर दिया है कि अब जो है वह अकेले चुनाव लड़ेगी, ये पार्टी जो है बस बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये कंफर्म हो गया है। उन्होंने क्या लिखा है, 2 ट्वीट उन्होंने किए थे। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। एक तो उन्होंने ये ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट में वे बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती हैं, अतः सर्व समाज के खासकर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। बीच में हम लोग सुन रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है वे बसपा के संपर्क में था, लगातार बातचीत उन लोगों की हो रही थी। अखिलेश आज नहीं गए हैं तो सिर्फ सीटों का ही मसला नहीं है, एक ये भी कारण है। अगर पिछले कुछ दिनों की समाजवादी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है अगर आप उसको देखें, तो वो भी एक लॉजिक लगता है कि जिस तरह से उनके नेता जो है, जो उनके सिंबल पे चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, कैसे जो है वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। मैं बात कर रहा हूँ पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल इस वक्त नाराज बताई जा रही हैं। पल्लवी पटेल क्या, स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज हैं। नाराजगी का कारण ये है कि जिस तरह से जो जो 3 राज्यसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, जिसमें जया बच्चन, आलोक रंजन जो कि मुख्य सचिव रहे हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री थे उनके ये मुख्य सचिव रहे हैं। इनके बारे में बताया जाता है पिछली बार जो साल 2022 का जो घोषणा पत्र है इन्होंने ही तैयार किया था। तीसरे उम्मीदवार थे रामजी लाल सुमन। इन 3 का जब नाम आता है इसमें से रामजी लाल सुमन जो है जाटो समाज से हैं, बाकी 2 जो है कायस समाज से, मतलब सवर्ण समाज से आते हैं। पल्लवी पटेल को ऐतराज होता है, वे कहती हैं कि अगर हम पीडीए की बात कर रहे हैं तो पिछड़े समाज को, लोगों को उतारना चाहिए था, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उतारना चाहिए था, उम्मीदवार बनाना चाहिए था। सिर्फ मसला यही नहीं है, जानकार बता रहे थे कि पल्लवी पटेल चाह रही थी उनकी माँ जो कृष्णावती पटेल हैं वो राज्यसभा सीट चाह रही थी कि उनको सीट मिल जाए, एक राज्यसभा उनको मिल जाए। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब नाराज होते हैं इस पूरी सीट को देखते हुए, और उनकी नाराजगी कारण सिर्फ यही नहीं रहता है कि उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया, अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया राज्यसभा, सिर्फ यही कारण नहीं होता है। साल 2022 के चुनाव हारने के बाद
आप देखेंगे पूरी समाजवादी पार्टी का कोई नेता जो है कोई सभा वभा सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सब सीमित हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी का कारण सिर्फ यही नहीं था कि अखिलेश यादव ने कोई पिछड़े समाज के या अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया राज्यसभा का। उनका कारण था कि जिस तरह से साल 2022 के चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता अपने विधानसभाओं तक ही सीमित हो गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इकलौते ऐसे नेता थे जो लगातार सभाएं कर रहे थे। और इसी क्रम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट वो दे रहे थे जिससे कि आमतौर पर जो समाजवादी पार्टी में जो अपर क्लास है, जो खासतौर पर सवर्ण तबका है, उनको ऐतराज था। और उसमें से बड़ा नाम है जो उचाहार से विधायक हैं वर्तमान में, पूर्व मंत्री रह चुके हैं मनोज पांडे का, अयोध्या के पूर्व विधायक है पवन पांडे, वो भी नाराज थे। गौरीगंज के जो वर्तमान में विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, वो भी नाराज थे। जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह, वो भी नाराज थे। तो खास तौर पर जो सवर्ण तबका है वो थोड़ा नाराज होता था उनके बयानों से। और इसी बीच में क्या हुआ कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य का जब पूरा बयान आता तो ज्यादातर जो नेता हैं वो ये कह देते कि उनका निजी बयान है, जबकि वो पार्टी के महासचिव हैं। और इसी बीच में क्या हुआ कि जो मनोज पांडे हैं उन्होंने उनको कहा, उन स्वामी प्रसाद मौर्य को कह दिया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। वो थोड़ा बयान से आहत हुए लेकिन कुछ उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब राज्यसभा के लिए तीन उम्मीदवारों का नाम आया जिसमें दो नाम सवर्णों के थे, तो वे चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद जो पार्टी ने उनको महासचिव बनाया था उससे इस्तीफा दे देते हैं। कल खबर आई है कि वे अपनी एक नई, उन्होंने एक पार्टी बनाई है, पार्टी तो पुरानी ही थी, उसको नए फ्लेवर में उन्होंने लॉन्च किया है, उसका झंडा वगैरह और झंडा भी रिलीज किया है, और जिसका नाम उन्होंने रखा है राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी। एक अलीगढ़ के एक साहेब सिंह धनकर नाम है उनका, उन्होंने पार्टी बनाई थी साल 2013 में। और इसके बाद जो है वही पार्टी के एक तरह से फाउंडर थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको रिलॉन्च किया हुआ है। अब जो है ये भी खबर सामने आ रही है कि 22 तारीख को दिल्ली का जो ताल कटोरा स्टेडियम है वहां पर एक बड़ी सभा वो करने वाले हैं, अपने अपने तमाम समर्थकों को वहां बुलाएंगे, उनसे राय मशवरा लेंगे आगे क्या करना है। और इन्हीं दो चीजों को लेकर अखिलेश यादव भी थोड़ा सा मतलब इन लोगों के ऊपर कि किस तरह से पल्लवी पटेल जो उनकी सिंबल पर जीती हैं, बाकी उनकी भी कोई पार्टी अपना दल कमेरावादी, सारे जो उम्मीदवार थे वो हार चुके थे, सिर्फ इकलौती यही जीती थी पल्लवी पटेल जीती थी। और यहाँ कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर तालमेल बैठ नहीं रहा है, और इसके बाद जो है पल्लवी पटेल उनके राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनको खुलेआम ये कहती हैं कि हम उनको वोट नहीं करेंगे, खासतौर पर जया बच्चन को, आलोक रंजन को। और इसके बाद राहुल गांधी की सभा में वे चली जाती हैं, सभा में उनकी यात्रा में चली जाती हैं बनारस वहां पे। और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो इन्होंने पार्टी बनाई ये सब भी, तो कहीं ना कहीं उनको अखिलेश यादव को ये लग रहा है ऐसा ना हो कि ये लोग कांग्रेस गठबंधन ही ना करे और पता लगा कि मैं अमेठी और रायबरेली में शामिल हो जाऊं और बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर बात सेट नहीं हो पाई या गठबंधन नहीं हुआ तो। इन्हीं सब चीजों को लेकर अखिलेश यादव थोड़ा सा कांग्रेस को लेकर थोड़ा सा शंका कर रहे हैं। बाकी क्या होता है अब ये तो पता चलेगा, हो सकता है कि कल तक ये चीजें कुछ फाइनल हो जाएं, कुछ नाम वगैरह आ जाएं आपस में उन लोगों का हो जाए, क्योंकि अभी राहुल गांधी को पता है कि काफी कुछ होने वाला है। अभी तो पूरी जैसे पहले ये आ रहा था कि यात्रा रायबरेली होते हुए लखनऊ, लखनऊ उन्नाव, उन्नाव से कानपुर, कानपुर से झांसी, झांसी से ये चली जाएगी मध्य प्रदेश, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये यात्रा अब मध्य प्रदेश नहीं जाने वाली है, यात्रा जाएगी पश्चिमी यूपी, जो किसान आंदोलन चल रहा है थोड़ा वहां पे भी लोगों का राहुल गांधी मन टटोलेंगे। हो सकता है कल इन सीटों को लेकर भी थोड़ी बातचीत हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। अखिलेश यादव ने चिट्ठी जारी की मैं आऊंगा,
शायद उनका ये मानना रहा होगा कि अब तक जो है, जब तक राहुल गांधी अमेठी में आते तब तक सीटें फाइनल हो गई होती, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। हो सकता है कि एक दबाव भी बना रहे हो, क्योंकि हम देखते हैं समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत को अभी 10-12 साल से, 10 साल तो यही देख रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की लीडरशिप में काफी लेट टिकट का वितरण होता है, आखिरी समय तक बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव थे तभी ऐसा नहीं था, 6-7 महीने पहले ही टिकट का अनाउंसमेंट हो जाता है। कांग्रेस भी निर्णय नहीं ले पा रही है, खास तौर पर उम्मीदवार चयन को लेकर, टिकटों को लेकर। अब देखिए कि उनकी यात्रा को लेकर जो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं जो अंदर खाने, मतलब उस तरह डायरेक्ट तो हमला राहुल गांधी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एतराज जता रहे हैं कि ऐसे समय में जब बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है तो हम अपने गठबंधन को बचा नहीं पा रहे हैं। सीटें तालमेल, सीटों पर ही तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। आज शायद प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की नेता है उन्होंने कुछ बोला है कि वे यात्रा कर रहे हैं, और जब टिकट बीबीसी उनसे बात करता है तो ये कहती हैं तो ये हमारा तो यात्रा है नहीं, इंडिया अलायंस की तो यात्रा है नहीं, ये कांग्रेस की यात्रा है। तो ये सब सारी चीजें बनी हुई हैं। बहरहाल हो सकता है शायद कल तक सीटों फाइनल हो जाए, क्योंकि कल राहुल गांधी आज रात अमेठी में रहेंगे, और इसके बाद जो है कल उनकी पेशी है किसी पुराने मुकदमे को लेकर सुल्तानपुर में, वहां वो शामिल होंगे। इसी बहाने वो सुल्तानपुर भी चले जाएंगे, इसके बाद रायबरेली पहुंचेंगे, रायबरेली से लखनऊ। हो सकता है कि 1-2 दिन में ही सारी चीजें, टिकट जो सीटों का बंटवारा हो जाए और साथ में आ जाए, क्योंकि दोनों लोगों को पता है कि एक दूसरे के खिलाफ अगर चुनाव लड़े तो मिलना किसी को कुछ नहीं है। आप देखते रहिए मुझे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो कुछ अपडेट होगा मैं लगातार इस पर हम लोग बात करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।